नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी यादव, आपके अपने डाइटिशियन कम फ्रेंड। और आज की सुबह में एक अच्छा अच्छा काम करते हैं, वो है मेरे इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और आपका वजन होगा कम। सो लेट्स गो फूड्स टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। सबसे पहला है प्रोटीन रिच फूड। प्रोटीन किन किन चीज़ों में मिलता है, आइए वो देखते हैं। तो प्रोटीन मिलता है सारे नट्स में, सभी प्रकार की दालों में, काजू अखरोट बादाम में, डेयरी प्रोडक्ट्स मिल्क पनीर मीट में, फिश में। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन गिव्स मसल मास एंड प्रिवेंट यू फ्रॉम ओवर ईटिंग। तो प्रोटीन रिच फूड खाने से आप ओवर ईटिंग से बचते हैं और आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ है आयरन जिंक रिच फूड्स। तो ऐसे फूड्स हमें लेने हैं जिसमें आयरन और जिंक ज़्यादा हो। तो किन में होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में, मीट में, एग्स में, ब्राउन राइस में। आपको आपकी डेली डाइट में ये सारी चीज़ें लेने की कोशिश करनी है। वेजिटेरियंस जो हैं उनके लिए अलग दूसरे ऑप्शन हैं कि हम जो हैं फिश नहीं ले सकते, मीट नहीं ले सकते, तो वी कैन गो फॉर अनार चुकंदर ब्लैक चने, मैंने आपको पहले भी बताया था काले चने खाने चाहिए, पालक ले सकते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां ले सकते हैं। ये सब आयरन से रिच होती हैं। आयरन रिच फूड लेने का फ़ायदा ये है कि ये आपके थायराइड के फंक्शन को प्रोमोट करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आयरन रिच फूड लेते हैं तो आपका थायराइड प्रॉपरली वर्क करेगा, आपको भूख कम लगेगी, आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा और आपका वज़न घटेगा। तीसरी जो चीज़ है वो है दालें, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रोटीन दालों में ज़्यादा होता है, अमीनो एसिड जो है वो दालों में ज़्यादा होता है, क्योंकि वेजिटेरियंस के पास प्रोटीन लेने के सोर्स कम हो जाते हैं, इसलिए दालें एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप एक सिंपल नॉर्मल दाल खाते हैं, उससे बेहतर है कि आप 3 से 4 दालें मिक्स कर लें और फिर खाएं, क्योंकि जब आप मिक्स दालें खाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। आपको दालों के थ्रू अच्छा प्रोटीन मिलता है जिसकी वजह से आपके मसल्स बिल्डअप होते हैं। चौथी चीज है दोस्तों चिली पेपर्स। आप लाल मिर्च या हरी मिर्च को आपके खाने में शामिल ज़रूर कीजिए, इससे भी आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और खाने का स्वाद भी, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा तो मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगी ही। उसके बाद पांचवी है पानी, जो आप रोज़ पीते हैं। आप ये चीज़ को हमेशा याद रखिए कि आपको 2 से 2.5 लीटर पानी दिन में ज़रूर पीना है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा। कुछ और भी बातें हैं जैसे कि नींद, आपको प्रॉपर 7 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा आपको जो करना है वो है 1 घंटा दिन में वॉक करना, एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, जो भी आपके लिए बेस्ट पॉसिबल है। दोस्तों ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, इसको आपके डेली लाइफ रूटीन में ऐड कीजिए। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो आपकी कैलोरीज घटेंगी। हायर विल बी योर मेटाबॉलिज्म द मोर यू विल लूज योर वेट। तो आज का फंडा है मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना। तो कैसे बढ़ाते हैं मैंने आपको सब बता दिया, इसको फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, बाय।